आप कुछ ले क्यों नहीं रही है? उन्होंने बोला नहीं हमने ड्रग्स ले रखी है और एक गोली ही, आप लोगों को विस्की में चार पैक का नशा चढ़ता है, हमें एक गोली में ही वो नशा चढ़ जाता है और मुंह से कोई स्मेल नहीं आती है और इसका कोई हैंगओवर नहीं होता है। हाई सेलिब्रिटी, हाई सोसाइटी और सेलिब्रिटीज के बीच में जो पार्टीज वगैरह होती हैं उसमें ड्रग्स का बहुत ज़्यादा प्रचलन चलता है, क्योंकि कहीं कहीं ना कहीं वो बहुत रसूखदार लोग हैं और बहुत पॉलिटिकली कनेक्टिविटी है उनकी, बहुत तगड़ी कनेक्टिविटी है, जिसके कारण वो लोग पूरी तरह से कहीं भी अगर पकड़े भी जाएं या पुलिस रेड भी हो जाए तो भी वो लोग छूट के चले आते हैं, उनके ऊपर कोई केस नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राजसत्ता एक्सप्रेस में। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है इस वक्त स्क्रीन पर वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जब जब सनातन का जिक्र इस देश में होगा और जब जब महाभारत का जिक्र होगा और जब जब द्रोणाचार्य का जिक्र होगा, सुरेंद्र पाल सिंह जी को के बगैर द्रोणाचार्य का जिक्र शायद अब इस आधुनिक भारत में तो संभव नहीं है। मेरे साथ सुरेंद्र पाल सिंह साहब हैं, जाने माने बॉलीवुड एक्टर, जाने माने कलाकार, जाने माने एक्टिविस्ट और विचारक। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर राजसत्ता एक्सप्रेस में। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे दर्शकों को जब आपने परिचय द्रोणाचार्य के रूप में कराई दिया है तो मैं अपने सभी दर्शकों को ये कहूंगा कि मेरे प्रिय अर्जुनो आयुष्मान भव। और ये कहूंगा मेरे दर्शकों को आचार्य द्रोण का प्रणाम स्वीकार हो और देवों का देव महादेव इन दिनों देख ही रहे होंगे मेरे दर्शक भी स्टार प्लस और स्टार भारत पर आता है, इसमें मैंने प्रजापति दक्ष का रोल किया है और बच्चों ने मुझे बहुत पसंद भी किया और लाइक भी किया था। शक्तिमान में मैं किलविश बना था, अंधेरा कायम रहे हमेशा वो था, और पुराण भी इन दिनों चल रहा है जिसमें मैंने शुक्राचार्य जी का रोल किया और मेरे इस वक्त लॉकडाउन के टाइम पे करीब 10 शो चल ही रहे हैं, दिया बाती, छोटी बहू, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप। हिंदुस्तान में कोई धारावाहिक ऐसा नहीं बना होगा जिसमें मुझे नहीं बुलाया गया या मुझे नहीं कॉल किया गया है, उसके लिए मैं अपने दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके इस प्यार की वजह से ही मैं इस 32 साल की यात्रा में टिका रहा। 32 साल पहले महाभारत टेलीकास्ट हुआ था और करीब शक्तिमान को भी 25 साल होने को आ ही रहे हैं और मैं अभी तक व्यस्त हूँ और स्वस्थ हूँ और बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे। थोड़ी सी दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई है इन दोनों लॉकडाउन की वजह से हो गया है, अदरवाइज एवरीथिंग वॉज ओके। आपका तेज, आपका स्वास्थ्य, आपका अंदाज, सब कुछ ऐसे ही बना रहे, ऐसी हम लोगों की कामना है, क्योंकि आप बहुत बहुत धन्यवाद। आप वो एक्टर हैं जिस रूप में और जिस रोल में आप उतरते हैं तो लगता है कि आप ही के लिए बना था। महाभारत का जिक्र खास तौर पे मैंने इसलिए किया कि इस वक्त इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक जबरदस्त महाभारत छिड़ी हुई है और उस महाभारत में जैसे कहते हैं ना कि द्रोणाचार्य जी की जब महाभारत छिड़ती है तो कोई व्यक्ति तटस्थ नहीं रह सकता, या तो वो इधर रहेगा या वो उधर रहेगा, महाभारत में कोई तटस्थ नहीं रहता। तो मेरा प्रश्न द्रोणाचार्य से ये है, मेरा प्रश्न सुरेंद्र पाल सिंह साहब से ये है कि आज जो महाभारत छिड़ी हुई है उसमें आप निश्चित तौर पर तटस्थ तो नहीं है, लेकिन आप किस तरफ हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि कोरोना का युद्ध लड़ा हमने, इतना लंबा चौड़ा युद्ध है वो गया है कि वो खत्म होने को आ ही नहीं रहा है। उस वक्त द्वापर युग था और द्वापर युग में पांडवों के सामने सबसे बड़ी सेना खड़ी हो गई थी, कौरव सेना आ गई थी, और आज कलयुग आ गया है और कलयुग में कोरोना आके खड़ा हो गया है और कोरोना के साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत का ये मसला भी आ गया है। ये मसला शुरू हुआ था नेपटिज्म से और नेपटिज्म से शुरू होते होते जाके नरकोटिक पे चला आया है अब, और यहाँ जांच एजेंसी अब नरकोटिक पे जांच कर रही है कि नरकोटिक इसमें
कितना ज्यादा इन्वॉल्व था और कितना ज्यादा इनके साथ इसमें इसका हाथ है, सुशांत का और रिया चक्रवर्ती का और उनके जो भी गैंग है। सबसे पहले मैं दर्शकों को अपने ये भी बताना चाहता हूं कि आपके इस चैनल के माध्यम से कि भाई एक बात बता दूं, कीचड़ में ढेला फेंकोगे कीचड़ आपके ऊपर आएगा ही आएगा। अगर आप बुरी चीजों में अपना हाथ डालोगे तो कहीं ना कहीं उसका असर आप लोगों के ऊपर भी आएगा। जिस तरह की आप देख ही रहे हैं कि अभी शोविक की और मिरांडा की गिरफ्तारी हुई है और आज मुझे लग रहा है कि रिया चक्रवर्ती की भी गिरफ्तारी संभव है, क्योंकि जिस तरह से इस ड्रग में इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है वो बहुत ही गलत ढंग से इन लोगों ने, और कहीं ना कहीं ये मैं आपको थोड़े से शब्दों में बताना चाहूंगा कि ड्रग्स एक ऐसी चीज है कि जो आपका मानसिक संतुलन बिगाड़ देती है पूरी तरह से। ड्रग्स जो है ये बहुत ही एक खतरनाक किस्म से वो होता है और इसका असर जो है इंसान को मानसिक तौर पे बहुत अधिक पड़ता है, और यहाँ तक पड़ता है कि वो धीरे धीरे जो है अपनी उसकी या तो वो कमिट सुसाइड करता है या वो अपना कोई गलत कदम उठाता है। लेकिन जो भी ड्रग्स लेने वाले लोग हैं उनका अंत बहुत बुरी तरह से होता है। और जैसा कि आप सभी, मैं आपसे तो मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि हमारे जीवन में यदि कोई जहर है तो वो ड्रग्स है, इनसे आप लोग दूर रहें। और अभी जो सारा कुछ हो रहा है सुशांत राजपूत के लिए, जो उसकी मर्डर हुआ है या आत्महत्या हुई है, इसके बारे में मैं अभी कुछ बता नहीं पाऊंगा क्योंकि हमारी सीबीआई उसकी इंक्वायरी कर रही है और उसके भी प्रूफ और उसके भी तथ्य जो है सामने लाकर रखेगी, और उसके बाद ही हमारी जांच एजेंसी के द्वारा, जो क्योंकि हम तो उस वक्त थे नहीं और ना ही हम वहां पे मौजूद थे, लेकिन उनके घर वालों के ऊपर ही शिकंजा सबसे पहले कसा जाएगा, क्योंकि जब भी कोई हादसा जिस घर में होता है सबसे पहले शिकंजा वहीं पे कसा जाता है। ठीक बात है। तो सबसे पहले उनकी जांच हुई है और जांच में जो भी सामने आएगा वो सीबीआई बताएगी, लेकिन हमें अपनी जांच एजेंसी के ऊपर पूरा विश्वास है कि वो एक मध्यम वर्ग के परिवार और सुशांत राजपूत के परिवार को पूरी तरह से इंसाफ दिलाएगी और उनके परिवार को शांति मिलेगी, और उन्हीं के परिवार को नहीं बल्कि हिंदुस्तान में सभी लोग जो चाहते हैं कि इसमें जस्टिस मिलना चाहिए, पूरी तरह से इंसाफ होना चाहिए सुशांत सिंह राजपूत। सुरेंद्र जी, मेरा जो प्रश्न आपसे था वो थोड़ा सा मैं उसको और स्पेसिफाई करूं। सुशांत सिंह राजपूत के बहाने जो तस्वीर उभर कर आ रही है, जो अक्स निकल के आ रहा है बॉलीवुड का, वो बहुत ही स्याह है, बहुत ही घिनौना है, बहुत ही भयावह है, जिसमें कि छोटे शहर से जो युवा वहां जाते हैं, जो जाने की सोच रहे हैं या जो वहां पर हैं, उनके चाहने वाले, उनके घर वाले, मतलब एक अजीब सा ऐसा एक तस्वीर निकल के आई है कि इस बॉलीवुड में बगैर ड्रग्स के, बगैर नशे के लगता है कुछ है ही नहीं। पहले तो आप हमें ये बताएं, क्या बॉलीवुड इस कदर गर्त में जा चुका है ड्रग्स के जैसी तस्वीर हमको दिख रही नहीं, है? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरह से चला गया है, ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा पंकज जी, मैं इस बात से डिनाई भी नहीं करूंगा। अगर मैं हाँ नहीं करूंगा तो मैं डिनाई भी नहीं करूंगा इस बात के लिए, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि हमारे यहाँ हाई सेलिब्रिटी, हाई सोसाइटी और सेलिब्रिटीज के बीच में जो पार्टीज वगैरह होती हैं उसमें ड्रग्स का बहुत ज्यादा प्रचलन चलता है, ये तो बात फैक्ट है, इस बात से आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। और मैंने कई पार्टियों में मैं भी गया हूं, और जहां मैंने कई बार हीरोइनों से पूछा है कि आप कुछ ले क्यों नहीं रही हैं, उन्होंने बोला नहीं हमने ड्रग्स ले रखी है, और एक गोली ही, आप लोगों को विस्की में चार पैक का नशा चढ़ता है, हमें एक गोली में ही वो नशा चढ़ जाता है, और मुंह से कोई स्मेल नहीं आती है और इसका कोई हैंगओवर नहीं होता है, इस तरह की उन्होंने हमसे बातचीत की, जो बहुत बड़ी हीरोइन थी, बहुत बड़ी स्टार थी, और
बहुत सारे फिल्म एक्टर्स भी जो थे, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, जिनका नाम तो मैं ले भी नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत छोटा सा कलाकार हूँ, क्योंकि कहीं कहीं ना कहीं वो बहुत रसूखदार लोग हैं और बहुत पॉलिटिकली कनेक्टिविटी है उनकी, बहुत तगड़ी कनेक्टिविटी है, जिसके कारण वो लोग पूरी तरह से कहीं भी अगर पकड़े भी जाएं या पुलिस रेड भी हो जाए तो भी वो लोग छूट के चले आते हैं, उनके ऊपर कोई केस नहीं चलता है, उनके ऊपर कभी मीडिया ने कभी कोई टीका टिप्पणी भी नहीं की है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सुशांत सिंह का केस जब आया है तो उसकी वजह से काफी चीजें एक्सपोज होती चली जा रही हैं और फिल्म इंडस्ट्री का भी एक बहुत बड़ा रोल जो है सामने आता चला जा रहा है इसकी वजह से। लेकिन ये डेफिनेटली जरूर है कि आपने, मैं आपको यहाँ रोकूं, बड़ा अंडरलाइन करने वाली बात आपने कह दी है। आपने पहली बात तो बहुत साफगोई से, बहुत स्पेसिफिकली आपने बोला कि ऐसा है, तो इसका मतलब कि जितने सफलता की सीढ़ियां जितने कलाकार चढ़ते चले जाते हैं तो उन पार्टीज में और उस गैदरिंग में ड्रग्स, इसका मतलब एक असेंशियल पार्ट बनती चली जाती है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा पंकज जी आपको कि हर कलाकार इस ड्रग्स में नहीं इन्वॉल्व है, हर एक्ट्रेस भी इस ड्रग्स में नहीं इन्वॉल्व है, लेकिन कुछ तबका मैं कहूंगा डेफिनेटली कुछ लोग, चंद लोग हैं ऐसे, कुछ बड़े स्टार्स भी हैं, बड़ी एक्ट्रेसेस भी हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें 100% इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग तो 100% हैं। और जो लोग जो हैं बड़े बड़े लोगों के साथ, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स के साथ बैठ के पार्टियां करते हैं, उनकी पार्टियों में जाते हैं सेलिब्रिटीज हमारे, और वो वहां पे ड्रग्स का सेवन करते हैं, ये बात तो है, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। कंगना रनौत ने तो स्पेसिफिकली 4-5 नाम लिए और उन्हें चैलेंज किया है कि ये लोग अपना ब्लड टेस्ट करवा के दिखाएं, और उन्होंने ये चैलेंज दिया है, ओपन चैलेंज दिया है, और उनकी ओर से इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो हमारे यहाँ तो माना जाता है कि मौन जो है स्वीकार करने का लक्षण है, क्योंकि आप तुरंत एकदम कन्फर्म करते हैं, तुरंत आप रिएक्ट करते हैं, तो आपकी बात, आप जैसे गंभीर व्यक्ति की बात बहुत गंभीर हो जाती है, इसका मतलब ये बहुत अंदर खाने ये पैठ कर चुका है। अब मुझे सर आप ये बताएं, क्या आप भी भविष्य में नाम लेंगे? देखिए मेरा नाम लेना या ना लेना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कंगना रनावत जी ने जो बोला है वो बहुत सही बोला है और हमें पूरी फिल्म इंडस्ट्री को उनका सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख भी है कि इतना बड़ा हादसा हुआ सुशांत सिंह राजपूत का, मर्डर मिस्ट्री जो है ये चल रही है, लेकिन उसके ऊपर कोई फिल्मी कलाकार कोई बोलने को तैयार नहीं है। कहाँ गया वो टुकड़े टुकड़े गैंग, कहाँ गए वो जो जो अपने अवार्ड जो थे वो सरेंडर करने के लिए तैयार थे, कहाँ गए वो लोग जो छोटी छोटी बातों पे कहा करते थे कि भारत में रहने लायक जगह नहीं है, इस तरीके से बातें लोग करते थे। हम ये कहते हैं इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी वो कोई स्टेटमेंट किसी भी बड़े एक्टर का आई नहीं रहा है, कभी किसी ने अपनी प्रतिक्रिया दे ही नहीं है। कंगना रनावत जी ने अगर खुल के ये बात की है, और एक लड़की है, अब ये सोचो छोड़िए कि वो एक्ट्रेस बहुत बड़ी है, लेकिन शी इज अ गर्ल, शी इज अ लेडी, और बीइंग ए लेडी उन्होंने इतनी हिम्मत की, इतना मैं जैसे कहूं कि इंडस्ट्री को जो लोग अपने आप को बनते हैं, सलमान खान, भाई जान, मिस्टर परफेक्शनिस्ट, सल्लू, ये वो, दुनिया का इवन जो बड़ा नाम, सबसे बड़ा नाम बिग बी, जो लोग बॉलीवुड का अपने आप को पर्याय मानते हैं, जो बॉलीवुड का अपना फेस मानते हैं, ये सारे फिर आपकी निगाह में चुप क्यों हैं? ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखिए पंकज जी, मैं तो बहुत छोटा सा कलाकार हूं, मैं तो उनसे पूछ भी नहीं सकता हूं कि भाई आपको बोलना चाहिए नहीं, लेकिन आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? यदि मैं, आप उंगली उठा सकते हैं। हाँ, मैंने तो हर चैनल पे बोला हुआ है, मैं तो हर चैनल पे बोला हुआ है कि हमारे बड़े कलाकारों को बोलना चाहिए। और कंगना रनावत जी के बारे में जिस तरह से पॉलिटिशियंस ने गंदे रिमार्क एक औरत के ऊपर ऐसे अभद्र टिप्पणी की है, वो उनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि बंबई जो है वो किसी की बाप की जागीर नहीं है, ये बंबई हर भारतीय की है और हर हिंदुस्तानी की है, और यहाँ पे सबको अधिकार है, बोलने का अधिकार है, डेमोक्रेसी है, और हर आदमी को अपने विचार रखने का पूरी तरह से
हक है। और उसके लिए मैं ये भी बता देना चाहता हूं, जो भी पॉलिटिशियन इस तरह की गंदी हरकतें या गंदे रिमार्क इस तरह के फिल्म एक्टर्स के ऊपर कर रहे हैं, उनको ये भी बता देना चाहता हूं कि सरकार आज है तो कल नहीं है आपकी, ये भी बता दें। बीजेपी की वजह से शिवसेना आज आके खड़ी हुई है यहाँ पे महाराष्ट्र में, अगर बीजेपी ने सपोर्ट नहीं किया होता तो शायद शिवसेना आज खड़ी भी नहीं होती यहाँ पे। एक शख्स जो कद में मुझसे भी बड़ा था, किसी और के पांव पर खड़ा था, ये ना भूलें। और ये जो अनिल देशमुख जी ने जो स्टेटमेंट दिया है कि उसे लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, पहले लॉ एंड ऑर्डर आप ठीक तो करो महाराष्ट्र में, आपका मुखिया ही यदि खराब है तो पूरी सेना तो खराब होगी होगी। सबसे पहले तो उनको चाहिए कि मुखिया को चाहिए कि ये जो नरकोटिक जो ड्रग्स आ रहा है और जो हमारे पॉश लोकेलिटी में ड्रग्स की सबसे ज्यादा सप्लाई है, जैसे जू स्कीम है, कोलाबा है, अपना ग्रैंड रोड है, अपना बैंड्रा है, ये सब एरिया जो पॉश एरिया है वहां पे ड्रग सप्लायर बहुत ज्यादा एक्टिव है। और ये एक्टिव कैसे हैं? पुलिस की मिली भगत के साथ, पुलिस को हफ्ता पहुंचता है उनके उसके वजह से, इसलिए एक्टिव है। मैं तो कहता हूं सबसे पहले हमारे होम मिनिस्टर साहब को ये चाहिए कि कंगना रनावत के बजाय वो इन ड्रग ट्रैफलर्स को पकड़े और इनको देश के बाहर करें, इनको सजा दें, इनको इनको वो करें। इस तरह की आवाज अच्छा उठानी चाहिए, इस तरह की आवाज फिल्म इंडस्ट्री में लोगों को उठानी चाहिए। सर हमारे अकेले उठाने से क्या होगा भाई साहब, ये बताइए हमारे अकेले उठाने से क्या होगा। मेरा कंगना को लेकर ही सवाल है। अब आज जो डेवलपमेंट हुआ है, जिस तरीके से कंगना रनौत को सेंट्रल गवर्नमेंट ने हिमाचल की सरकार की सिफारिश पर कैटेगरी सिक्योरिटी दी है, तो उससे एक चीज तो साफ हो गई है कि अब इस पर राजनीति भी बढ़नी है, साथ ही अब लोगों के सामने ये भी संकट खड़ा होने वाला है कि वो कंगना रनौत और सुरेंद्र पाल सिंह जैसे लोगों के साथ खड़े होंगे या नहीं खड़े होंगे, क्योंकि अब लाइन और ज्यादा क्लियर खींचने वाली है। तो मैं आपसे और फॉरवर्ड लुकिंग सवाल ये पूछता हूं, अब ये जो आज का डेवलपमेंट है, क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड में अब इसको लेकर कुछ आवाज ज्यादा उठेगी, कुछ हिम्मतें और बढ़ेंगी? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि बॉलीवुड में बहुत ज्यादा लोगों की हिम्मतें हैं, बहुत लोग बुजदिल हैं और डरे हुए रहते हैं यहाँ पे लोग, उनको लगता है कहीं अगर सरकार के खिलाफ हमने बोल दिया तो कहीं हमारे पास ईडी की रेड ना हो जाए, हमारे पे नरकोटिक वाला ना घुस के चलाए, हमारे पास सीबीआई इंक्वायरी ना बैठ जाए, इस तरह के डर और दहशत है लोगों के अंदर कि कहीं ना कहीं सरकार जो है। और पुलिस ने क्या किया था, पुलिस ने पहले सुशांत सिंह राजपूत के केस में इंक्वायरी की थी, इंक्वायरी से क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन करिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन से जो है आपको बहुत सारे तथ्य सामने निकल कर आते हैं, जिस तरह सीबीआई ने किया है, सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया है, उसके बाद ये सारे नरकोटिक ये ईडी बीडी के जितने भी हवाला और जितने भी लॉन्ड्रिंग का केसेस है ये सब सामने निकल कर आए, उसके बाद ही निकले ना। जब आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इंक्वायरी क्या, आप नाम मैंने पूछ लिया, आपका मैंने नाम पूछ लिया, कहां से आए हैं, क्या करते हैं आप, कैसे जानते हैं, क्या करते हैं, दो चार शब्द लिखे, आपके सिग्नेचर लिए, बोला घर जाइए जाइए, ये क्या तरीका होता है ये, क्यों? क्योंकि पुलिस वाले भी जो है, कमिश्नर वगैरह भी जो है, जाके अपने इनके पास जाके बैठ जाते हैं, मिनिस्टर्स के पास, जो वहां से ऑर्डर इशू होते हैं वो ऑर्डर इशू होके उसको फॉलो कर देते हैं ये लोग, दैट्स ऑल, और क्या करते हैं। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए उनको कि जनता भी, जनता को भी सबक सिखाना आता है और जनता भी उनको जल्दी ही सबक सिखाएगी, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी बोलिए। नारकोटिक्स के एंगल से अगर फिर सोचें और अगर इसकी सफाई के लिहाज से सोचें, तो इसका मतलब कि फिर राह बहुत मुश्किल है, इतना कुछ बहुत इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है इतने से। किस पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, किस पे नहीं पड़ने, जो बड़े नाम है जो आप नहीं ले रहे हैं, कंगना खुल के ले रही हैं, तो अब लोगों की क्यूरियोसिटी इस चीज में भी बढ़ गई है कि अगर ड्रग्स का कारोबार वहां पर है, ड्रग्स वहां चलन में है, तो फिर ये बड़े बड़े लोग जो रोल मॉडल बने हैं युवाओं के, ये जो अपने बल्ले दिखा दिखा के, डोले दिखा दिखा के, जिस तरीके से भारत के युवाओं के रोल मॉडल बने हैं, तो इनकी असलियत खुल पाएगी क्या फिर? क्यों नहीं खुलेगी, खुलेगी, बिल्कुल खुलेगी।
और अब जब इन्होंने सबके नाम, अब तो मीडिया भी सबके नाम ओपनली ले रहा है, और कुछ 18 कलाकारों के नाम भी उन्होंने अभी तक गैदर किए हुए हैं इन लोगों ने, और ड्रग पेडलर्स जो हैं वो, ये बात बिल्कुल सच है कि वो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं इसमें, एक्टर्स जो हैं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन उनके जो मैनेजर्स हैं, उनके काम करने वाले वर्कर्स हैं, उनके उनके यहाँ काम करने वाले जो सपोर्टिंग वाले लोग होते हैं, सपोर्टर्स होते हैं, उनके द्वारा दे बाई एंड ड्रग्स एंड एवरीथिंग, ट्रूथ है, वो कभी आमने सामने नहीं आते हैं, कभी कोई एक्टर जो है जाके ड्रग्स नहीं खरीदता है, कभी नहीं खरीदता। नेचुरली, नेचुरली, नेचुरली। आपने आपने बहुत किस्से सुने होंगे, बहुत सारी रेडें हुई हैं पेपरों में, अगर आप थोड़ा सा पिछले दिनों जाइए उसमें काफी सारे कलाकार पकड़े गए थे जुहू के अंदर, लेकिन उसके बाद उन्होंने ब्लड टेस्ट करवाया, ब्लड टेस्ट में सबके ब्लड टेस्ट में आया ड्रग्स है, ड्रग्स है, ड्रग्स है, लेकिन उसके बाद फिर वो चूंकि रसूखदार लोग थे छूट गए अपने आप, वो बच गया। हाँ, फिरोज खान का बेटा था फरदीन खान, वो भी पकड़ा गया था, वो भी छूट गया। तो कहने का मतलब ये है कि सजा का भी प्रावधान बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत स्ट्रांग नहीं है इसमें भी सजा जो है, कोई मुझे नहीं लगता है कि ये रिया और सुशांत वाले केस में भी कोई बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है किसी को। अरेस्ट होंगे, अरेस्ट होने के बाद जमानत मिल जाएगी उसके बाद, नहीं, और लेकिन उसके बाद इसको दो लिहाज से केस वगैरह चलेगा, केस वगैरह चलेगा, उसके बाद फाइन वाइन बढ़ दिया जाएगा, कुछ फाइन हो जाएगा, और कुछ हो सकता है कि सजा का प्रावधान हो जाए। लेकिन ड्रग्स के अंदर मुझे जहां तक मेरा ख्याल है और जहां तक मुझे मालूम है कि ड्रग्स के अंदर कोई बहुत बड़ा सजा का प्रावधान नहीं है, ड्रग लेने वाले के लिए नहीं है, ड्रग बेचने वाले के लिए हो सकता है प्रावधान ज्यादा हो, लेकिन लेने वाले के लिए शायद कम है ऐसा कुछ, कुछ पैसों वैसों का फाइन वाइन दिया जा सकता है। मुझे वैसे इतना ज्ञान नहीं है, मेरी थोड़े से ज्ञान के बारे में। नहीं नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। अब दूसरा, अगर मैं आपसे ओवरऑल एक सवाल पूछूं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जो इंक्वायरी शुरू हुई वो हुई नेपोटिज्म से, उसके बाद वो मामला आया हत्या या आत्महत्या पर, अब जो ये पूरी पिक्चर बन गई है, क्योंकि आप क्लोजली वॉच कर रहे हैं फ्रॉम द डे वन, आप भी क्लोजली वॉच कर रहे हैं, पूरा देश भी कर रहा है, आप अब जांच को कहां पहुंचता देखते हैं सर, और जो मूल विषय है कि उसने आत्महत्या की थी या हत्या की थी, उसको लेके आपका अब क्या एक माइंडसेट बनता है, क्या आप फील करते हैं? मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो इसमें जांच है और सारा देश जानना चाहता है इसमें कि सच्चाई क्या है, और मुझे लगता है कि सीबीआई हमारी जो जांच एजेंसी है कहीं ना कहीं सच्चाई को बहुत जल्दी ही उजागर करने वाली है, बल्कि हम लोग एच पे पहुंच चुके हैं, और एच पे पहुंचने के बाद हमारे सामने बहुत जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और सच्चाई पूरे देश के सामने आने वाली है, और हम सभी लोगों को पता लग जाएगा कि इस पूरे केस में सच्चाई क्या है, क्योंकि मैं उस वक्त ना तो प्रेजेंट था और ना मैंने जो भी बात कही है वो थ्रू न्यूज़पेपर या मीडिया के थ्रू या लोगों के द्वारा जानने के बाद इस तरह का मैंने रिमार्क किया है, लेकिन सच्चाई जो है वो जो एजेंसी है, जांच एजेंसी है, जो बहुत बारीकी से उस चीजों को पकड़ेगी, और जिस बारीकी से उस हत्या हुई है या आत्महत्या हुई है उनकी सच्चाइयों को जो है पब्लिक के सामने लाकर रखेगी। लेकिन अभी तक ईडी का जो केस है, ईडी वाला जो केस था, मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो केस है, वो तो अभी तक बिल्कुल सामने आ नहीं पाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं से अगर सीबीआई भी अरेस्ट करने के लिए आएगी, वारंट्स अगर इशू होंगे, तो उसके लिए उनके पास प्रूफ होना चाहिए, अभी तक प्रूफ कोई नहीं आ पाया है, जिसकी वजह से ईडी भी रुकी हुई है, नरकोटिक भी रुका हुआ है, और ये भी रुका है। नरकोटिक ने ठीक है दो लोगों को अरेस्ट किया है, उसके भाई और उनके लिए, और वो भी, लेकिन मेन एक्यूज को गिरफ्तार अभी तक नहीं कर पाए, ये भी एक सच है। हाँ, हो सकता है। आपने हमसे बात करी, हमारे लिए वक्त निकाला, मैं थोड़ा ज्ञानी कम हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा आपको बहुत डिटेल में कोई चीजों को बता नहीं पा रहा हूँ। सरलता है, लेकिन ये आपकी हम्बलनेस है कि आप बार बार ये कह के हमको, ये बात कह के आप कुछ और एहसास कराते हैं, हम आपके ज्ञान से भी परिचित हैं, हम आपकी गहराई से भी, आपकी गंभीरता से भी, और इसलिए ये बात मैं फिर दोहरा दूं, क्योंकि आपने आज हमसे बातचीत में
जो कहा है उसके बहुत गंभीर मायने हैं, उसके बहुत गंभीर मतलब है, क्योंकि पूरा देश आपको कलाकारों के कैटेगराइजेशन में एक अलग स्तर पे रखता है, अलग तौर पे आपकी बात ली जाती है। आपने हमसे बात करी, बहुत बहुत धन्यवाद, और हम ये उम्मीद करेंगे कि जब कभी बॉलीवुड में सफाई करने के लिए खास तौर पर नशे के एंगल से जब नंबर आए तो द्रोणाचार्य उसमें उस पंक्ति में सबसे आगे खड़े हों और वो दिखाते हुए चलें कि यहाँ साफ करो, यहाँ साफ करो। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे किया। लेकिन मैं अपने दर्शकों को जाते जाते अपने गुरु होने के नाते एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि यदि कोई भी आदमी ड्रग्स का सेवन करता हो या चरस, गांजा, अफीम, हेरोइन, किसी भी तरह की मादक वस्तुओं का अगर इस्तेमाल करता है तो मेरी हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना है कि आप लोग उसका त्याग कर दीजिए। ये चीज बहुत गंदी है, ये आपका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगाड़ देती है, आपके शरीर को पूरी तरह से बिगाड़ देती है। यदि आप चाहते हैं एक हेल्दी लाइफ जीना तो इन चीजों का सेवन ना करें, जितनी जल्दी हो सके आप लोग छोड़ दीजिए इन चीजों को और इन चीजों से दूर रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।